नई सुबह नया शहर जाने का समय आ चुका है। जाने से पहले मैंने पहने ईकन के शूज और वो काफी कंफर्टेबल है और स्टाइलिश भी है। तो इसी के साथ हम सब निकल जाते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए जो होता है सीसू, और रेडी हो जाते हैं अपने नेक्स्ट राइड के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था। शिवेद, भूमिका और आकृति, इनमें से कोई एक ही हमारे साथ जर्नी कंटिन्यू करने वाले थे। आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि वो शिवी हो। इतने प्यार से जर्नी पे निकल चुके हैं, आई होप ये जर्नी मेरे लिए यहाँ खत्म ना हो जाए। दिल भी खुश मिजाज है, ये रास्ते अनजान, जो के ये हवा के मुझसे करने आते बातें, वादियों से रोशनी निकलती होती शाम, कहता हूँ फिजाओं से तू है जुनून, कुछ तो इनमें बात ऐसी मिलता है सुकून, रहता हूँ पहाड़ों पे। और ब्यूटीफुल लोकेशन, आसपास का जो हमारा व्यू था इतना ब्यूटीफुल था, नीचे लेक पहाड़, वहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, इट वॉज ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए। तो बस उस जर्नी को एंजॉय कर ही रहे थे, थोड़ी दूर पहुंच के हमें दिखता है रोडीज का बोर्ड। भाई अब क्या करवाने वाले हैं लोग, क्योंकि हमें बोला गया था जर्नी से सीधा कैंप पहुंचेंगे, बड़े कैंप से पहले रोडीज का बोर्ड, मतलब कुछ तो है। हम सभी वहीं रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बोर्ड कर क्या रहा है बीच में। हम सारे ही हैरान कि अभी तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे ही नहीं पहुंचे हैं, तो ये क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है, दिस एलिमिनेशन उनका सर्वाइवल टास्क होने वाला है, कुछ नहीं पता। लास्ट लोकेशन जो है वो बहुत ही खतरनाक जगह पे है, नदी है पीछे, इतने फ्लो में है। सो वेलकम टू टैग एमटीवी रोडीज कर्मकांड को पावर्ड बाय वाइल्ड स्टोन। कैसा लग रहा बॉस मौसम, देखो आपके लिए क्या कुछ हमने पहाड़ नदियां सब कुछ भाई बना दिया। क्या लोकेशन है यार भाई, मजा आ गया देख के यार, सॉलिड सॉलिड। रोडीज कहाँ जा रहे थे भैया तुम लोग? सीसू जा रहे थे सर। देखो ये तीन रोडीज कल वोट आउट हुए थे, उनका तो सीधा सीसू जाना नहीं बनता था, फिर देखते हैं कि कौन सा रोडी है जो सीसू एक्चुअली जाने वाला है। तीनों में से सिर्फ एक रोडी जो है वो सीसू पहुंचेगा, तीन में से दो लोग यही एलिमिनेट हो जाएंगे और घर जाएंगे। ये सुन के मेरी पूरी तरीके चुकी थी, बस मेरी उंगलियां क्रॉस थी और मैं कह रहा था भगवान कोई भी लक बेस्ड टास्क मत दे देना, क्योंकि मुझे पता है लक तो तुम कभी देते नहीं। ये टास्क अगर आज परफॉर्म नहीं किया तो ये जो जर्नी पे इतनी खुशी खुशी जो मैं निकली हूँ सिसु के लिए, वहीं सिसु हो जाएगा मेरा। कहीं आकृति और भूमिका घर में चले जाएं, हमारी गैंग में ऑलरेडी कम लोग बचे हैं और हमने चाहते हैं हमारी गैंग से कोई भी जाए। जो आज तीन लोग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है आज ऐसे तीन लोगों को चुनना जो आप लोगों की किस्मत डिसाइड करें। तो जो तीन लोग हैं उनमें से एक दोस्त और दो दुश्मन। दुश्मन दुश्मन। तो इस टास्क में एक दोस्त जो आप चुनोगे और दो दुश्मन जो आपके अपोजिट वाले गैंग लीडर्स चुनेंगे।